मुसीबत के वक्त अब काम आएगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस अब 3 नंबर डायल करते ही पहुंच रही घटनास्थल पर। अब आपको नहीं करना होगा लंबा इंतजार। बिहार वासियों को नहीं करने पड़ेंगे अलग अलग नंबर अब डायल। अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री नीतीश ने की थी इसकी शुरुआत। क्या है इमरजेंसी नंबर 112? ये एक इमरजेंसी नंबर अमेरिका के 911 की तरह है। ये बकायदा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें पुलिस के लिए 100, आग के लिए 101, स्वास्थ्य के लिए 108 और सुरक्षा के लिए 1090 की रिपोर्ट आप लिखवा सकते हैं। सभी सर्विस एक आसान कॉल में मिल जाएगी। इमरजेंसी नंबर का इस्तेमाल पहले भी कुछ भारत देश के राज्यों में किया जा रहा था। 2019 में भारत के कई राज्यों में राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया था। इस नंबर पर अब पुलिस, फायर, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कॉल किए जा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस नंबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इमरजेंसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए कोई व्यक्ति अपने फोन से 112 डायल कर सकता है, या फिर अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो फोन का पावर बटन 3 बार प्रेस कर भी 112 नंबर डायल हो जाएगा। अगर फीचर फोन है तो 5 या फिर 9 बटन को थोड़ी देर दबाया जाए तो काम हो जाएगा। इसी के साथ 112 मोबाइल ऐप पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 112 इंडिया नाम से गूगल प्ले पर स्टोर उपलब्ध है। आप जैसे ही 112 पर कॉल करेंगे वैसे ही पुलिस ये कॉल देखेगी और तुरंत एक्शन लेगी। कॉल डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर द्वारा रिसीव की जाएगी और तुरंत ही इमरजेंसी गाड़ियां आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी ने भी फेक कॉल किया तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी। 112 एक इमरजेंसी नंबर है और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई इस नंबर पर प्रैंक कॉल करता है या फिर बिना किसी मतलब बार बार डायल करता है तो एक तरह का जुर्म माना जाएगा। 112 का गलत इस्तेमाल करने वाले को पुलिस ट्रैक करेगी और निर्धारित सजा भी दी जाएगी। पुलिस इमरजेंसी कॉल सेंटर से डेटा लेकर कॉलर को आसानी से ट्रैक कर सकती है। भारत में अधिकतर लोगों को ये शिकायत रहती है कि सरकारी इमरजेंसी नंबर कभी काम नहीं करती और इन नंबरों पर फोन लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, पर ऐसा 112 के साथ नहीं होगा। कम से कम सरकार तो यही दावा करती है। ये इमरजेंसी नंबर हमारे फायदे के लिए है और इसका इस्तेमाल भी वैसे ही होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि ये काम करेगा तो इमरजेंसी के वक्त इसका इस्तेमाल करना सही होगा। पिछले कुछ सालों में भारत में सर्विसेज काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ऐसे ही विषय पर हम अगली बार फिर आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।